यमुना नदी के किनारे स्थित एक गौरवशाली पौराणिक इतिहास रखने वाला शहर, आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी, एक केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या के तौर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर, देश के दिल के रूप में माना जाने वाला शहर दिल्ली। इतिहास प्रेमियों, आर्किटेक्चर के शौकीनों से लेकर खरीदारों तक दिल्ली हर प्रकार के यात्रियों की जरूरत को पूरा करती है। राजधानी शहर लोकप्रिय पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के रूप में दो वर्गों में विभाजित है। पुरानी दिल्ली अपनी प्राचीन संस्कृति, स्मारक और इसके भीड़भाड़ वाली गलियों के लिए लोकप्रिय है। पुरानी दिल्ली के बाजारों के बारे में बात करें तो शायद खरीदारी से हमारा मन कभी नहीं भरेगा। इसके कई बाजारों में पुस्तकों और स्टेशनरी से लेकर साड़ियों और चांदी के गहनों तक सब कुछ है। अगर आप ठीक से जानते हैं कि कहाँ और किस तरह के उत्पादों के लिए बाजार बना है तो पुरानी दिल्ली की खरीदारी बहुत मज़ेदार हो सकती है। यहाँ के कुछ जाने माने बाजारों जैसे कि चांदनी चौक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलता है। भोजन प्रेमियों के बीच जगह बहुत प्रचलित है, लेकिन चांदनी चौक का यह क्षेत्र अब बहुत बड़े बाजार में तब्दील हो गया है। आज दिल्ली का यह सबसे चर्चित स्थान खरीदारी के लिए स्वर्ग माना जाता है तथा भारत के व्यापक हिस्से के लिए यह व्यापार के प्रमुख केंद्र का कार्य भी करता है। वैसे देखा जाए तो अपने पसंदीदा बाजार तक पहुंचने के लिए पुरानी दिल्ली की इन भीड़ भरी पतली सी गलियों से गुजरते हुए जाना बहुत कठिन है। तो चलिए चांदनी चौक के कुछ मशहूर बाजारों की आपको यात्रा कराते हैं जो दिल्ली के सबसे अच्छे बाजारों में गिने जाते हैं। चावड़ी बाजार मशहूर है निमंत्रण पत्रों की कलाकारी के लिए। यह बाजार शादियों के निमंत्रण पत्र बनवाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थोक बाजार है। यह पूरी गली ही शादी के कार्ड बेचने वालों की दुकानों से भरी है। इस बाजार में शादी के निमंत्रण के नमूनों के साथ दुकानों की पंक्तियां ही पंक्तियां हैं, जिनमें सबसे बुनियादी रंगों और शैलियों के साथ साथ फैंसी निमंत्रण पत्र आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर शादी के पत्रकों के अतिरिक्त और भी कुछ है जो शायद आपकी ज़रूरत का हो सकता है। यहाँ स्टेशनरी की सबसे अच्छी वस्तुएँ किफ़ायती मूल्य में उपलब्ध होती हैं। आप चावड़ी बाजार में प्राचीन वस्तुओं की दुकान में भी जा सकते हैं जहां पर पीतल की बनी पुराने वस्तुएं बेची जाती हैं। आप चावड़ी बाजार के मेट्रो स्टेशन से आसानी से यहां पहुंच सकते हैं। खारी बावली मशहूर है मसालों के सबसे बड़े बाजार के लिए। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खारी बावली चांदनी चौक के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जो हमेशा विविध प्रकार के मसालों की सुगंध से महकता रहता है। यह शायद दुनिया के मसालों का सबसे बड़ा बाजार है। यह मसाले सूखे मेवे, नट्स, आम पापड़ और यहाँ तक कि विदेशी मसालों और मसालों की एक दुनिया है जो आपको सस्ती दरों पर कहीं और नहीं मिलेगी। यहीं पे पास में गड़ोड़िया हवेली भी है, आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। इस हवेली की छत से शाहजहाँबाद में फैली विरासत देखी जा सकती है। यहाँ से आप नीचे स्थित खारी बावली का ऊपर से दिखने वाला सुंदर सा नज़ारा भी देख सकते हैं, जहाँ पर मसालों की विविध सामग्री जैसे हल्दी के टुकड़े, लाल मिर्च तथा सामग्री में अन्य वस्तुओं को सुखाते हुए देखा जा सकता है। खारी बावली फतेहपुर मस्जिद के ठीक पीछे बसा हुआ है, जिसे ढूंढने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, सिर्फ मसालों की सुगंध की ओर चलते जाइए। चोर बाजार जहाँ विक्रेता चोर होते हैं और आप ग्राहक। पुरानी दिल्ली का चोर बाजार जामा मस्जिद के पीछे ही स्थित है। अगर आप इस बाजार में जाएं तो आपको अपने आसपास सिर्फ ऑटो पार्ट्स ही नज़र आएंगे। पुरानी दिल्ली के लोगों का कहना है कि अगर आपकी गाड़ी का कोई भी पार्ट चोरी हो जाए तो आप अगले ही दिन चोर बाजार जाकर उसे खरीद कर वापस ला सकते हैं। बेशक अगर आपकी किस्मत इसमें आपका थोड़ा सा भी साथ दे तो आपको अपनी वस्तु जरूर मिलेगी। हर बड़े शहर में चोर बाजार या फिर उनका कोई और दूसरा रूप जरूर होता है, जहाँ पर चोर अपनी लूट का सामान बेचते हैं। यह एक अजीब सा बाजार है जहाँ पर गाड़ी प्रेमी मुश्किल से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स ढूंढने आते हैं। वैसे पुराने कैमरे, कालीन, स्क्रू ड्राइवर्स और यहाँ तक कि खेल के सामान कुछ अन्य चीज़ें हैं जो आप यहाँ पा सकते हैं। किनारी बाजार पुरानी दिल्ली का सबसे रंगीन बाजार। चांदनी चौक के समानांतर जिसके एक छोर पर पराठे वाली गली मिलती है, दिल्ली की सबसे रंगीन, चमकीली और जगमगाने वाली गली है। किनारी बाजार वह जगह है जहां आपको अपने कपड़ों और घर को सजाने की सारी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। दर्जी, पोशाक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर जैसे लोगों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
किनारी बाजार से कुछ दूर नोनो की एक चेती रंग की हवेलियां हैं, जिन्हें नौग्रह कहा जाता है। ये मूल रूप से खानदानी दिखने वाली ज्वेलरी स्टोर है, जहां आप प्यारे चांदी के आभूषण पा सकते हैं। अगर महिलाओं को यहां पर अकेले छोड़ दिया जाए तो वे यहां के माहौल में इतनी लीन हो जाएंगी कि शायद ही यहां से बाहर निकलना ही भूल जाएं। भागीरथ महल, जिसको आपके घर का विभूषक भी माना जाता है। जो जगह कभी बेगर समरू का महल हुआ करती थी, आज उसे दो भागों में विभाजित कर एक को बैंक और दूसरे भाग को दियो के बाजार में तब्दील किया गया है। अब यह महल विरासत भवन बन गया है, जिसमें आपको अनेक प्रकार की दुकानें मिलेगी और दिन भर ग्राहकों की चहल पहल भी दिखेगी। इस जगह को अपना नाम सेठ भागीरथ माल से प्राप्त हुआ, जो इस महल के खरीदार और मालिक थे। अगर आप अपने घर के नवीनीकरण के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए। भागीरथ पैलेस लैम्प तथा प्रकाश जुड़नार के लिए एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है। स्टीम पंक लैम्प और विंटेज झूमर से कैफे टाइप लैम्प, इस बाजार में यह सब है। भागीरथ महल चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। दरीबा कला मशहूर है चांदी की गली के लिए। यह महिलाओं की पसंदीदा गली है, खासकर उन महिलाओं की जिन्हें चांदी के गहने बहुत पसंद हैं। 7वीं शताब्दी के इस बाजार में छोटे बड़े सारी दुकानें चांदी की वस्तुओं से भरी हुई हैं, जिनमें से अधिकतर गहने बेचते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो चांदी के बर्तन और चांदी की बनी देवी देवताओं की मूर्तियां भी बेचते हैं। 92.5 स्टर्लिंग चांदी के छल्ले से लेकर भारी हार या साधारण नाक के छल्ले तक, दरीबा कला चांदी की सभी चीज़ों का खजाना है। अगर आपको मोती पसंद है तो हैदराबाद के बाद यहाँ से भी अपने पसंदीदा मोतियों की खरीद कर सकते हैं। दरीबा कला में आपको हाथों से बनाए गए इत्रों की दुकान भी मिलेगी, जैसे गुलाब सिंह जोरी माल दुकान। दरीबा कला की गली लाल किले से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आप गौरी शंकर मंदिर और सीसगंज गुरुद्वारे के बीच में स्थित एक छोटी सी गली से गुजर कर लाल किले तक पहुँच सकते हैं। अगर आप जामा मस्जिद की ओर से आ रहे हैं तो यह वही रास्ता है जहां से जामा मस्जिद के पृष्ठ भाग को चांदनी चौक से जोड़ता है। नई सड़क मशहूर है किताबों की दुनिया के लिए। नई सड़क चावड़ी बाजार और मुख्य चंडी चौक बाजार के बीच की संपर्क सड़क है। नई सड़क ऐसी जगह है जहां पर विविध विषयों की किताबें उपलब्ध होती हैं। अगर आपको कुछ गिनी चुनी किताबें, खासकर हिंदी की किताबें चाहिए हो तो उसके लिए इससे अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। एक जमाने में यह सड़क नर्तकियों के लिए मशहूर हुआ करती थी। अगर आप अपने आसपास देखें तो यहाँ के छज्जे आपको अपने अतीत की दास्तां बयां करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज इस जगह पर थोक में किताबों की बिक्री होती है। MRP पर कम से कम 15% की छूट के लिए दूसरे हाथ से उपन्यास और कॉलेजों की किताबें बेचने वाले कई स्टोर होंगे। नई सड़क की गली चांदनी चौक के नगर सभागृह के ठीक सामने ही है, या फिर आप चावड़ी बाजार तक दिल्ली की मेट्रो ले सकते हैं और वहां से नई सड़क तक पैदल भी जा सकते हैं। बल्ली मारान मशहूर है चमड़े के सामान के लिए। बल्ली मारान एक लोकप्रिय बाजार है जो विभिन्न प्रकार की ऑप्टिकल दुकानों के लिए और सड़क के दोनों तरफ जूते बेचने वालों के लिए जाना जाता है। यह सच है कि बल्ली मारान में हर चीज की कीमत किफायती है और दिल्ली NCR के अधिकांश ऑप्टिकल स्टोर इस बाजार से थोक में फ्रेम खरीदते हैं। बल्ली मारान कासिम जान की गली में स्थित वह जगह है जहां मिर्जा गालिब रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने अपने लिए किराए पर एक हवेली ली थी, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे। यह हवेली अब एक संग्रहालय बन गई है। यह विडंबना की बात है कि जिस हवेली में वो रहा करते थे उसके बाहर आज जूतों या चमड़ों का बाजार लगता है। बल्ली मारान फतेहपुर मस्जिद के पास ही स्थित है। मीना बाजार मशहूर है कपड़ों के बाजार के लिए, जिसे चतरा चौक के नाम से भी जाना जाता है। मीना बाजार मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध बाजार है। आज यह नाम कपड़ों के प्रसिद्ध ब्रांड द्वारा अपनाया गया है, जो दिल्ली की बड़ी बड़ी दुकानों में नजर आता है। शायद यह नाम मीनाकारी काम, जो लाख के कंगनों पर किया जाता था, से लिया गया होगा। इस प्रकार की कारीगरी आप आज भी हैदराबाद और राजस्थान के कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। मीना बाजार जामा मस्जिद और लाल किले के ठीक बीचों बीच बसा हुआ है। मीना बाजार के इस गौरवशाली अतीत का एक छोटा सा अंश आज जामा मस्जिद के पीछे देखा जा सकता है। आज भी यहाँ पर रंगीन साड़ियों और कपड़े खरीद सकते हैं।
लाल किले के पास एक मार्ग जहां शॉल, यादगार आभूषण, यहां तक कि डायरी बेचने वाली दुकानें भी हैं। सीताराम बाजार मशहूर है सजीले गहनों के लिए। यह बाजार तुर्कमान दरवाजे, जो शाहजहांबाद में सुरक्षित बचे हुए कुछ ही प्रवेश द्वारों में से एक है, के पास स्थित है। अगर आपको कृत्रिम और सजीले गहने पसंद हों तो यह स्थान आपके लिए एकदम सही है। ये गहने विविध रंगों और आकारों में तराशे हुए मनकों से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ गहने जानवरों की हड्डियों से भी बनवाए गए हैं। यहाँ पर मिलने वाले गहने आप दिल्ली के हाट बाजारों तथा देश में फैले गहनों की अनेक दुकानों में देख सकते हैं। इनका मूल्य ज़्यादातर निर्धारित ही होती है, लेकिन देखा जाए तो शहर के अन्य दुकानों की तुलना में यहाँ की दुकानों में ये गहने इतने सस्ते में मिलते हैं कि आपको मोल भाव करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कूचा चौधरी मार्केट मशहूर है फोटोग्राफी के सामान के लिए। फोटो बाजार के रूप में भी जाना जाता है कूचा चौधरी मार्केट। यह जगह किसी भी फोटोग्राफर के सपने को सच करती है। इसमें विंटेज कैमरों और नवीनतम DSLR मॉडल से लेकर कोडेक फिल्म के रोल, SD कार्ड एंड ट्राइपोड्स, सब कुछ खुदरा मिलता है। सदर बाजार यह एक थोक बाजार है बहुत सारी चीज़ों के लिए। आप कृत्रिम आभूषण और प्लास्टिक के खिलौनों से लेकर घरेलू सामान जैसे क्रॉकरी और स्टोरेज बॉक्स, साथ ही कुछ दुकानों महिलाओं के रेडीमेड कपड़ों की बिक्री करने वाली तक पा सकते हैं। सदर बाजार में एक छिपी हुई गली भी है जिसमें आप पार्टी के उपयोग होने वाली सभी सामान आसानी से पा सकते हैं, जैसे नियॉन, आइस क्यूब्स, मोदी मास्क, लटकते हुए शरीर और बहुत कुछ। कटरा नील एक समय कटरा नील अपने इंडिगो कपड़ा व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। इस बाजार में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कपड़े की सामग्री और बिलिंग वाय रेडीमेड शादी के कपड़े देने वाले स्टोर मिल जाएंगे। इस बाजार में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मिलने वाली कपड़ा सामग्री त्रुटिहीन गुणवत्ता की है और इसकी कीमत भी कम है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ नई जानकारी और भविष्य के किसी नए वीडियो में देता रहूँगा। तब तक आप ऐसे ही मेरे साथ चलते रहें, क्योंकि अभी अपने देश की अनेकों जगहों और वहाँ की जानकारी अपने शब्दों में बताना बाकी है। कुछ तथ्यों को बताना अगर भूल गया हूँ तो क्षमा करें और कमेंट में बताएं अपने विचार और सलाह, ताकि भविष्य की वीडियो में उन्हें जरूर शामिल किया जाए। धन्यवाद।